मित्रों नर्मदे हर, आज हम बात करेंगे माँ नर्मदा की कथा की। माँ नर्मदा जो कि बहुत सारे नामों से जानी जाती, सुख देने वाली मैया, इन नाम से वो प्रसिद्ध हैं। मित्रों ये बात प्राचीन काल की, जब शिव जी मेकल पर्वत पर बैठे थे, अपनी घोर तपस्या में लीन थे, तभी अचानक उनके पसीने की बूंद जा गिरी और उससे जन्म हुआ एक सुंदरी सी कन्या का। उस कन्या ने भगवान शिव को तपस्या करते देख वह भी उनके सामने तपस्या करने लग गई। जैसे ही भगवान शिव की तपस्या भंग हुई और उन्होंने सुंदर सी कन्या को देखा तो उन्होंने उसका नाम वहीं रख दिया। उन्हें नाम मिला नर्मदा, नर्म अर्थात सुख और दा अर्थात देने वाली, पूरा नाम सुख देने वाली। माँ नर्मदा को उपहार स्वरूप चार वरदान मिले। पहला वरदान, दुनिया में कितना बड़ा भी प्रलय आ जाए नर्मदा का कभी नाश नहीं होगा। दूसरा, नर्मदा के पाषाण अर्थात पत्थर शिव रूप में पूजाएंगे, उनके हर कंकर में शंकर बसेंगे। तीसरा, माँ गंगा जी जी उससे भी पवित्र होगी मैया। माँ गंगा लोगों के पाप धोते धोते खुद मैली हो जाती है, इसीलिए माँ गंगा दशमी के दिन नर्मदा में अपने पाप धोने आती है। और चौथा, गंगा में स्नान करने से लोगों के पाप धुलते हैं, परंतु माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही उनके पाप धुलेंगे। यह चार वरदान पाकर माँ अपने वाहन मगर पर बैठकर चल दी और उनके पीछे हमें यह नर्मदेश्वर शिवलिंग भेंट कर। नर्मदेश्वर शिवलिंग को दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनमें खुद स्वयं प्राण होते हैं, ये स्वयंभू हैं। माँ नर्मदा के तेज बहाव में जो पाषाण अर्थात पत्थर होता है वह घिस घिस कर शिवलिंग का रूप लेता है और उसे हम कहते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग। और दोस्तों इसकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी हाई है कि यह हमारे मन से, हमारे घर से नेगेटिव एनर्जी या अर्थात नकारात्मक ऊर्जा को दूर निकाल कर पॉजिटिव एनर्जी लाता है। दोस्तों इसका जो एनर्जी लेवल है ना, बहुत हाई होता है। और दोस्तों इन पे जो आकृतियाँ होती, जैसे अभी इस पे तिलक देख पा रहे हैं और इस पे जो अर्धनारेश्वर शिवलिंग देख पा रहे हैं, अर्धनारेश्वर शिवलिंग का अर्थात होता है कि जो शिवलिंग में आधा भाग जो है वो माता का होता है और आधा भाग शिव का होता है। और इन प्रकार की अनेक आकृतियाँ होती जो कि प्राकृतिक होती है, यदि आपको ऐसे प्राकृतिक और एंटिक शिवलिंग चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, जिसका नाम है www.murtiwala.in। धन्यवाद। नर्मदे हर।